हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज निलजा देसाई। आज के वीडियो में हम एसएस का, उसमें भी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ कि आप लोगों ने ज्योग्राफी की बुक का नाम पढ़ा क्या है? अवर एनवायरमेंट, करेक्ट। और लास्ट ईयर क्या था सिक्स स्टैंडर्ड में? अर्थ अवर हैबिटेट। ठीक है, लास्ट ईयर हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, इस बार हम एनवायरमेंट में के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर वन दैट इज एनवायरमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में एनवायरमेंट का इंट्रोडक्शन है। किसी को पता है एनवायरमेंट क्या है? हमने बहुत सारी जगह सुना होगा, या तो शायद कहीं न्यूज में, या तो किसी को बोलते हुए कि आजकल एनवायरमेंट बहुत चेंज हो गया है, ये एनवायरमेंट पता नहीं कैसा रहता है आजकल, अच्छा नहीं रहता। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट? तो आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी के द्वारा व्हाट इज एनवायरमेंट ये समझाने की कोशिश करी गई है। तो हम भी उस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ठीक है, तो एक रवि नाम का लड़का होता है, वो तैयार होकर अपने स्कूल की ओर बढ़ता है। तो वो देखता है कि उसके स्कूल के बाजू में जो बड़ा सा प्लेग्राउंड है, उसमें अभी बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी। ठीक है, तो वो बड़ी सी बिल्डिंग, तो उसको वो देख के बहुत दुख हो रहा था कि अभी हम यहाँ पे खेल नहीं पाएंगे, वो छोटे छोटे बटरफ्लाई, छोटे छोटे पौधे, ये सब नहीं दिखेंगे। तो लोग ऐसा बोल रहे, तो उस टाइम पे लोग ऐसा बोल रहे थे कि एनवायरमेंट बहुत चेंज हो रहा है। तो उसे समझ में नहीं आया कि एनवायरमेंट होता क्या है। फिर जब वो स्कूल गया, ठीक है, तो उसके प्रिंसिपल ने भी यही कहा सैडली कि हाँ, आजकल एनवायरमेंट बहुत चेंज हो रहा है। फिर उनके क्लास टीचर ने समझाया कि एनवायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट मीन्स अवर सराउंडिंग, हमारे आजू जितनी भी चीजें हैं उन सबको क्या करेंगे? एनवायरमेंट। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स एनवायरमेंट मीन्स वॉट? सराउंडिंग, करेक्ट। अभी एनवायरमेंट वर्ड कहाँ से आया? इट इज बेसिकली कम्स फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में वर्ड था एनवायरन। ठीक है, और उसका या तो फिर एनवायरन, ये दो वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है नेबरहुड। ठीक है, इस पे से वर्ड आया एनवायरमेंट। ठीक है, अभी एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग, इट मेनली मेड बाय टू थिंग्स, दैट इज मेड बाय नेचर एंड मेड बाय पीपल। जैसे हम अपने आसपास कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो मेड बाय मैन है, मेड बाय ह्यूमन, एंड कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे पेड़, या तो फिर हमारी जमीन, या तो फिर नदी, या तो फिर तालाब, पर्वत। इट इज मेड बाय होम, नेचर बनाते हैं उसको, हम नहीं बनाते। ठीक है, तो एनवायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट, नेचर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन एनवायरमेंट। ठीक है, याद रहेगा। अभी नेचर एनवायरमेंट को भी हम इसमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक? बायोटिक मीन्स अ वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अबायोटिक? ठीक है, अ वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग मैटर। यहां पे गलती से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मत लिख देना, क्या है याद रखना, नॉन लिविंग मैटर। ये सारी टर्म्स आपके लिए नई है, तो इसको ध्यान से याद करना, बायोटिक, अबायोटिक, एनवायरमेंट। ठीक है, फिर अभी हम एक बार एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इज व्हाट? एनवायरमेंट इज द बेसिक सपोर्ट सिस्टम फॉर ह्यूमन और एनी डैम ऑर्गेनिज्म। व्हाट एनवायरमेंट इज व्हाट वी कॉल सपोर्ट सिस्टम। क्यों उसको सपोर्ट सिस्टम कहेंगे? क्योंकि सपोज कि हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लें, या तो फिर कोई एनिमल का, तो एनवायरमेंट हमें क्या देता है? ठीक है, पहले तो एयर देता है, एयर फॉर ब्रीदिंग, वाटर टू ड्रिंक, फूड फॉर ईटिंग, एंड लैंड टू लिव ऑन।
ठीक है, हमें सारी चीजें कहाँ से मिलती है, एनवायरमेंट से मिलती है। तो एनवायरमेंट हमारे क्या है, बेसिक सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अभी हम एनवायरमेंट की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्लेस, सॉरी, द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर सराउंड बाय एनी ऑर्गेनिज्म, सराउंडेड बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। ठीक है, द प्लेस पीपल, द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर सराउंड बाय एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट, एनवायरमेंट। अभी इस पे से क्या समझ में आया, सब लोग अलग अलग एनवायरमेंट में रहते हैं। कैसे अलग अलग, जैसे मैं, तो सपोज कि मैं रह रही हूँ राजस्थान में, ठीक है, तो मेरे सराउंडिंग ज्यादा क्या है, रेगिस्तान है, ठीक है, रन है, तो मेरा एनवायरमेंट अलग है। और सपोज कि कोई दूसरा पर्सन है, वो कहाँ रह रहा है, केरला में, ठीक है, तो उसका एनवायरमेंट अलग है क्योंकि वो मेनली कोस्टल एरिया, समुद्र के पास रह रहा है, ठीक है, तो एनवायरमेंट अलग अलग होते हैं उसके आसपास की चीजों से। ठीक है, तो भी हम सपोज कि मेरे आजू बाजू क्या चीजें दिखती है, जैसे मेरे घर के सामने एक पेड़ है, एक बड़ा सा मैदान है, एक छोटा सा तालाब है, दो चार बिल्डिंग्स है, ठीक है, तो ये सब हुआ मेरा एनवायरमेंट। वैसे आप एक अपनी लिस्ट बनाएंगे अपने एनवायरमेंट की, ठीक है ना, लिस्ट बना लेना कि आपके सराउंडिंग क्या क्या है, ठीक है, फिर उसके दो पार्ट कर लेना, दैट इज मेड बाय नेचर एंड मेड बाय ह्यूमन, ठीक है, करोगे ना आप, ओके। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, ये चार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अपनी बुक भी खोलना क्योंकि ये पिक्टोरियल चार्ट है, आपकी बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, सबसे पहला नेचुरल, ठीक है, ये सारी टर्म्स जो नेचुरल के अंदर है ये याद रखना और इसकी स्पेलिंग लिख के लर्न करना, ठीक है। तो मेनली एनवायरमेंट हमें क्या क्या देता है, सबसे पहले एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक, लैंड टू लिव ऑन एंड फूड फॉर ईटिंग, ठीक है। तो एयर जहां एयर वाले उसको क्या, जहां पे एयर रहती है उस पार्ट को क्या कहेंगे, एटमोस्फियर, व्हाट, एटमोस्फियर। जहां पे वाटर होता है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फियर। जो लैंड होती है उसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फियर। लिविंग थिंग्स, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बायोस्फियर। ये सारे नेचर के पार्ट्स है, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर। ये चीज को हम डिटेल में आगे के चैप्टरों में स्टडी करेंगे, लेकिन ये वर्ड याद रखना, एटम दैट इज एटमोस्फियर, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोस्फियर, लिथो मीन्स लैंड, लिथोस्फियर एंड बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, बायोस्फियर। याद रहेगा, कभी भी पूछूंगी तो आएगा ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन, फर्स्ट इज नेचर एंड ह्यूमन। ह्यूमन के द्वारा, जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन, फिर उससे बनती है फैमिली, उससे बनती है कम्युनिटी, ठीक है, जैसे हिंदू कम्युनिटी, सॉरी, हाँ, जैसे एक एरिया में रह रहे लोग, जैसे गुजराती लोग, मराठी लोग, ठीक है, राजस्थानी लोग, दैट इज कम्युनिटी। फिर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है, फिर एजुकेशनल, ठीक है, कुछ इंजीनियर्स, कुछ डॉक्टर्स, ठीक है, कुछ MBA, कुछ CA, ठीक है, फिर इकोनॉमिक, कुछ बिजनेस क्लास, ठीक है, कुछ जॉब क्लास, इकोनॉमिक, कुछ पुअर, कुछ रिच,
ठीक है, कुछ मिडिल क्लास, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन, कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई आम इंसान है, ठीक है। तो ह्यूमन के द्वारा क्या क्या होता है, इंडिविजुअल, फिर फैमिली, फिर कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, याद हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ह्यूमन मेड, ठीक है, अभी ह्यूमन क्या क्या बनाता है एनवायरमेंट में, रहने के लिए बिल्डिंग, खेलने के लिए पार्क, नदी को क्रॉस कर, रिवर को क्रॉस करने के लिए ब्रिज, फिर रोड्स, फिर मॉन्यूमेंट्स, जैसे मॉन्यूमेंट्स ताजमहल, कुतुब मीनार, है ना, फिर इंडस्ट्री, ठीक है। ह्यूमन मेड क्या क्या है, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज एंड मॉन्यूमेंट, याद रहेगा, ये चार्ट एक बार ऐसे ड्रॉ करके याद करना, ठीक है। तो हम ये सारे नेचुरल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन एनवायरमेंट नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे, ओके। और कोई सी भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर, दैट इज 9427347646। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।